इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में चल रही एक शादी के मंडप में उस समय एक चौंकाने वाली खबर आ गई जब एक महिला ने दूल्हे की गोद में एक बच्ची को रखते हुए कहा कि ये लो अपनी बच्ची। ऐसा होते ही उस समय दूल्हे के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। दूल्हे की पहली प्रेमिका अपने 2 साल की बच्ची को गोद में देते हुए चिल्लाकर शादी के मंडप में कहा कि मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, अपने जीते जी ये कभी नहीं होने दूंगी। और फिर क्या था, हंगामा ही मचना था। प्रेमिका ने दूल्हे को धोखा देकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया और हंगामा करते हुए शादी ही रुकवा दी। इस दौरान हंगामा बढ़ता देख दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे के साथ अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया। दुल्हन पक्ष के लोगों ने इसके बाद पूरी बारात को बंधक भी बना दिया। ये मामला मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र का है। बुधवार की रात यहां के पांची गांव में परतापुर थाना क्षेत्र के ढिंडाला गांव का रहने वाला एक युवक बारात लेकर पहुंचा था। शादी की रस्म चल रही थी कि उसी के बीच ये हंगामा शुरू हो गया और इस दौरान युवती ने कहा कि वो अपने प्यार व शादी की निशानी 2 साल से बच्ची को लेकर घूम रही है। 3 साल पहले दूल्हे ने उससे प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद शारीरिक संबंध भी बनाए थे, अब वो शादी को मानने से इनकार कर रहा है। इस दौरान वो एक बच्चे की माँ बनी है और ये बच्ची इसी की लड़की है, अगर कोई चाहे तो इसकी जाँच भी करवा सकता है। जैसे युवती ने दावा किया कि इस बच्चे का बाप यही दूल्हा है, ये मामला देख लड़की पक्ष ने दूल्हे और बारात को बंधक बना लिया। लड़के पक्ष ने दूल्हे के भाई से शादी का प्रस्ताव भी रखा लेकिन लड़की पक्ष वालों ने उनकी कोई बात नहीं मानी। बवाल बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर आ पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत की गई लेकिन बात नहीं बनी और गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ जिसमें दूल्हे पक्ष ने लड़की पक्ष को शादी में खर्च हुए 9 लाख रुपए देने की बात कही है और तब जाकर ये मामला शांत हुआ है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।